हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकिशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द बॉल पोएम, जिसे लिखा है जॉन बेरीमैन भैया ने। तो सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, होता ऐसा कुछ खास नहीं है, बस जो हमारे पोएट है जॉन बेरीमैन भैया, वो एक बच्चे को अपने बॉल्स के साथ खेलते हुए देख लेते हैं। फिर गलत चीज सोच रहे हो तुम ठरकी हो, मैं वो वाली बॉल्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खेलने वाली बॉल्स का बात कर रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि तुम लोग उसी बॉल से खेलते हो? हाँ, तो वो जो बच्चा होता है ना, वो हार्बर के पास खेल रहा होता है। हार्बर का मतलब जहाँ ओशियन के पास शिप वगैरह लगती है, जहाज वगैरह लगता है, वहां पर। तो जॉन बेरीमैन भैया देखते हैं कि उस बच्चे का जो बॉल होता है वो ड्रिबल करते करते टपकते टपकते पानी में जाके गिर जाता है, मतलब ओशियन में जाके गिर जाता है। एंड इस इंसिडेंट को देखकर हमारे जो जॉन बेरीमैन भैया है वो जीवन के बारे में ज्ञान देते हैं, वो ये ज्ञान देते हैं कि वो बच्चा अब क्या क्या सीख रहा है वगैरह वगैरह, जिसे हम चैप्टर में समझेंगे। ओके, तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले Obviously, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना वगैरह वगैरह, तुम्हें जहां भी मन फॉलो कर सकते हो मुझे। अरे हाँ, और एक चीज, अभी जैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा ना, तब तुम्हें यहाँ पे सबटाइटल्स देखने को मिलेंगे। वो सबटाइटल्स कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे एनसीईआरटी के लाइंस है, मतलब तुम्हारे पोएम के लाइंस है, तो उससे रिलेट करके मेरे एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करना। लिटरली तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही डीप मीनिंग वाला पोएम है। तो चलो अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम कुछ ऐसे स्टार्ट होता है और पोएट कहते हैं कि वो लड़का अब कैसा होगा जिसने अपने बॉल को खोया है, वो लड़का अब क्या करेगा। मैंने उस लड़की को देखा था खेलते हुए अपने बॉल्स के साथ, और मैं देख रहा था कि कैसे उसका जो बॉल है वो बाउंस करते करते स्ट्रीट के नीचे से होकर पानी में जाकर गिर गया। और अगर मैं अभी उस लड़के को जाकर बोलता हूँ कि देयर इज अनदर बॉल, मतलब इस दुनिया में और भी बॉल्स हैं, तो इस चीज से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उस लड़के का जो दुख है, जो सैडनेस है, वो खत्म नहीं होने वाला है। अभी वो जो लड़का है उसे अत्यंत हिला देने वाला दुख लगता है, मतलब अभी जो वो लड़का है वो बहुत ज्यादा शॉक में है। और अभी वो जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा शॉक में है, इसलिए वो एकदम रिजिड होकर कांपते हुए उस बॉल को नीचे देख रहा है कि कैसे वो जो बॉल है वो बहते हुए ओशियन में जा रही है। वो जो बॉल है जो ओशियन में डूबते जा रही है, वो उस यंग लड़के को एडल्ट बना रही है। मतलब बेसिकली यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि वो जो बॉल है ना, वो उस लड़के का, उस बच्चे का यंग डेज है, और जैसे जैसे वो बॉल डूब रहा है वैसे वैसे उस लड़के का यंग डेज भी डूबता जा रहा है, मतलब जाते जा रहा है, पीछे छूटते जा रहा है। और धीरे धीरे वो जो यंग लड़का है, वो जो यंग बच्चा है, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है एडल्ट में, क्योंकि इस पॉइंट पे उस लड़के को जीवन की सीख मिल रही है। और फिर ऑथर कहते हैं, इस वक्त मैं इस बच्चे को इंट्रूड नहीं करूंगा, मतलब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर मैं इस वक्त इस बच्चे को जाकर एक नया बॉल भी दे दूं ना, तो वो इस वक्त इसके लिए वर्थलेस होगा, मतलब कि कोई काम का नहीं होगा। फिर पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इस वक्त वो जो लड़का है ना, वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद कर रहा है जो उस बॉल के साथ खत्म हो गया, क्योंकि वो जो बॉल है अब वो उसके पास नहीं है, वो डूब चुका है या फिर ओशियन में कहीं खो चुका है। फिर पोएट कहते हैं, इस दुनिया में जो लोग होते हैं ना, वो बॉल लेते हैं। यहाँ पे बॉल को समान और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिग्निफाई किया गया है, ठीक है, यहाँ पे बॉल का एक्चुअल मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो लोग होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या फिर समान लेते हैं, और उनसे वो समान या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खोता भी है, लेकिन जब उनसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और समान खो जाता है, तो उस वक्त, उस मोमेंट पे उनके साथ कोई भी नहीं रहता है, कोई दूसरा नहीं रहता है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना सके या फिर उनके सामान को वापस कर सके। बेसिकली यहाँ पे पोएट सिंपली यही कहना चाहते हैं कि जिस इंसान की जो चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसके लिए वही जिम्मेवार होता है, अगर वो उसे खो देता है तो। देखो, मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हो, यही ना कि पोएट को इतना अफसोस हो रहा था तो उस बच्चे को नया बॉल दे देते, इतना ज्ञान पेलने का क्या जरूरत था। तो इसी चीज को पोएट आगे वाले लाइंस में एक्सप्लेन करते हैं। फिर पोएट कहते हैं कि जो मनी होता है, जो पैसा होता है, वो एक्सटर्नल चीज होता है, जैसे कि हाँ, तुम उस बच्चे को नया बॉल तो दे सकते हो, लेकिन उसका जो पुराना बॉल था जिससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी थी, तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसे वापस नहीं कर सकते हो। और अब उस लड़के को उसके डिस्परेट आईज के पीछे सीख मिल रही है, मतलब ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब कि लॉस को सहने की क्षमता या फिर लॉस से उभर कर कैसे बाहर आना है, इस चीज की सीख मिल रही है। और ये जो सीख इस बच्चे को अभी मिल रही है, वो हर इंसान, हर मर्द जानता है, और अगर इस दुनिया में कोई है जो नहीं जानता है, तो उसे जानना पड़ता है। एक ना एक टाइम उस इंसान के लाइफ में भी आएगा जब उसे भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बर्डन से उभरना सीखना होगा। एंड इस तरह से ये तुम्हारा डीप मीनिंग वाला पोएम खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब जल्दी से सुमड़ी में आ जाओ, तुम लोग को एक बात बताता हूँ, ठीक है, एकदम शांति से चुपचाप सुनना। देखो, मान लेते हैं इस वीडियो को 600,000 लोग फ्यूचर में देखते हैं, और अगर 6 के 600,000 लोग इस वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो मेरे हो जाएंगे 1,000,000।
फिर तुम्हारे भैया क्या करेंगे, मतलब मैं क्या करूँगा मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं इलेक्शन लड़ूंगा और पीएम या फिर सीएम जो भी कुर्सी मिले, मैं इतना लालची नहीं हूँ ठीक है, कहीं जो भी मिले मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा और फिर सबसे पहले तुम लोग एग्जाम कैंसिल करवा दूंगा, और बाय चांस अगर कैंसिल नहीं हुआ तो तुम लोग सबको टॉप करा दूंगा, मेरा गारंटी। बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए ठीक है। तो नो से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये सीक्रेट किसी को बताना मत, बस बस यहीं तक, इस वीडियो तक ही सीमित रहनी चाहिए ठीक। बाय बाय।